इधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चार उप मुख्यमंत्री वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, आपसे कुछ सवाल रहने वाले हैं, राजनीतिक सवाल भी रहेंगे और आपके जनसंवाद कार्यक्रम के भी सवाल रहने वाले हैं। आपने मेवात में जनसंवाद कार्यक्रम किया, उससे पहले नू में हिंसा देखने को मिली थी। अब जब आप जनसंवाद कार्यक्रम करके आए हैं तो किस प्रकार के कार्यक्रम रहे हैं वहाँ? जिस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम हुए और लोगों में कभी ऐसा ही नहीं लगा कि यहाँ इस तरह का माहौल खराब हुआ और इस तरह की कोई विवादित जिस तरह का क्षेत्र रहा। और मैं मानता हूँ कि लोगों ने कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं, 300-400-500 आदमी तक नहीं थे, 1000 तक भी थे। उन लोगों ने अपनी समस्याओं को, कहीं पानी है, कहीं सड़क है, इस तरह की समस्याओं को जो लोगों ने रखा। और ये हमारा जनसंवाद नहीं था, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का था और उनको भरोसा विश्वास है कि आज काम हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं जब गांव में गया, मैंने पूछा, भाई आपके जिले के 700 कुछ बच्चे नौकरी लगे हैं? उन्होंने कहा, हमारे बच्चे पहली बार योग्यता मेरिट पर लगे हैं, बिना खर्चे बिना पर्चे के लगे हैं। और उन्हें भरोसा भी नहीं था जब गांव के लोगों ने हाथ उठा कहा, जी हमारे गाँव में 7 लगे हैं, किसी में 10 लगे हैं, किसी में 5 लगे हैं, किसी में 2 लगे हैं। तो इस तरह के लोगों को भरोसा नहीं था कि इस तरह नौकरी लगेंगे। ये जानकारी जब धरातल पर गई तो लोगों ने बड़े भरोसे के साथ, और ये भी लोगों ने कहा, बीजेपी के आने के बाद जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में मेवात में बम्बई एक्सप्रेस निकला है, उसका लोगों बड़ा क्रेज है जी। लोग कहते हैं कि इतना हमारे यहाँ उद्योगपति व्यापारी आ रहे हैं और जिस तरह की लड़ाई दंगा हुआ, इससे क्या है कि थोड़ा रुका है, पर लोग कहते हैं हम शांति माहौल बना कर रखेंगे कि आने वाले भविष्य में हमारे जीवन रेखा है बम्बई एक्सप्रेस। लोगों ने कोई निजी समस्या भी अपनी बताई, खासतौर पर विपक्ष जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र को लेकर जो जिक्र करता है, बात करता है कि परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों की पेंशन तक काट दी गई, उनको राशन नहीं मिल रहा, इस प्रकार की कोई समस्या, स्पेसिफिक समस्या वहाँ देखने को मिली सर? जिनके जमाने में जहाँ 100 या 150 पेंशन थी और उस गांव में आज पोर्टल के माध्यम से 600-700 करीब पेंशन है। और इस बात पे है कि पोर्टल की जानकारी के मुताबिक तभी उनको आयुष्मान चिरायु जो बना है, एक गांव में तो 800, किसी पेंशन 600, 50-50 करे सो में गांव में अगर 25,000 की पॉपुलेशन है, 1200 लोग लाभ, जिनको लाभान्वित परिवार थे। तो लोगों की कोई समस्या इतनी छोटी मोटी है, उनको लोगों ठीक कर रहे हैं। और इस तरह के तो वो लोग प्रचार फैला रहे हैं जिन लोगों को सरकार की लेवा, सरकारी सेवा गरीब व्यक्ति तक ना पहुंचे, हमारे हाथ में नहीं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाल ही में एक बयान आपने भी सुना होगा सर, चार चार उप मुख्यमंत्री बनाने की वो बात करते हैं, ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? भाई सारा हरियाणा जानता है, हर लोग जानते हैं, प्रदेश के पौने त्रिकोण, इनके मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी चार की बात करें, मुख्यमंत्री भी इनके 5 मुख्यमंत्री की बात करते हैं, 4 उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, कौन बनेगा कौन रहेगा? पहली बात तो ये ना नॉर्मल तेल होगी ना राधा नाचेगी, है कुछ नहीं। और सौर पूजा, अरे भाड़ा मांग रहे मुंबई का, भाड़ा है ना दिल्ली तक का भी। तो ये किस प्रकार से एक कार्यक्रम निर्धारण कमेटी भी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, चौधरी उदयवान ने कमेटी है उसका गठन किया है, 11 सदस्य है, कह रहे हैं 90 विधानसभा में जाएंगे, कहीं ना कहीं तमाम जो सरकार विरोधी जो नीतियां हैं जिनसे लोग परेशान हैं उनका उनकी जानकारी लोगों में देंगे, आप किस प्रकार से देखते हैं सर इस कमेटी को? कमेटी बनाने में तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं जी, पुरानी पार्टी है, कमेटी में प्रचार में बात चटकाने में तो कमी रहेगी नहीं, पर धरातल में कुछ मिलेगा नहीं। और धरातल पर जो लोग 52 वर्ष जो लोगों ने राज किया है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पता क्या हुआ? आज बात करते हैं 5 मुख्यमंत्री, 5 डिप्टी CM, इस तरह की बात लोग समझते हैं, इनकी बातों को सब लोग समझते हैं, लोग हंसते हैं इनकी बातों को, देखो क्या हो रहा है। कभी हरियाणा के इतिहास में हुई है बात? कभी हुई है बताओ आप?
भाई इतने सीएम, इतने डिप्टी सीएम, पता ना लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बना रहे हैं, ये अपने ही काम कर रहे हैं, ये हमारा डिप्टी सीएम बनेगा, सीएम बनेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा, जिनकी तरफ से साफ कहा गया जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री और चार उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, हरियाणा के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इनकी तरफ से साफ करा गया है कि जब प्रदेश की जो जनता है वो मनोहर लाल को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की दाल कहीं नहीं गलने वाली, इस प्रकार की जो बात है वो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ कहते हुए नजर आई। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़ चंडीगढ़।